All right, so let us start with next question. ये question जो है ये question already हमारा हुआ है. This question belongs to I think set number 1 or 2. पे हमने किया है 36 meter इसका answer आता है. So we will not repeat this question. It is already done. Next question. The velocity of a particle at an instant is 10 meter per second. After 3 seconds, its velocity will become 16 meter per second. The velocity at 2 seconds before the given instant will be. पहले question समझ लो और इस question को समझने के लिए मैं एक timeline draw कर रहा हूँ. ये number line नहीं है, ये timeline है. At some instant of time, let us say t, इस instant पे velocity कितना दिया है आपको? 10 meter per second. तो यहाँ पे 10 meter per second है. इसके 3 सेकंड के बाद मतलब t प्लस 3 पे वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकंड. आपको पूछा इससे 2 सेकंड पहले मतलब t माइनस 2 पे वेलोसिटी कितना होगा. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो ऐसे क्वेश्चंस को दो केसेस में डिवाइड करो. पहले तो इसको मैं बोलता हूं केस नंबर 1. केस नंबर 1 में आपको इनिशियल भी पता है, आपको फाइनल भी पता है, आपको टाइम भी पता है. तो यहां से मिल जाएगा एक्सेलरेशन, राइट. सो इन केस नंबर 1 ये जो वेलोसिटी है आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना 10, फाइनल कितना 16, टाइम कितना 3. तो v इक्वल टू u प्लस at से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू v माइनस u बाय t. v 16, u 10 और टाइम 3, 6/3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप केस नंबर 2 में यूज कर सकते हो. ओके, तो ये जो वैल्यू आपके पास आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप केस नंबर 2 में यूज कर सकते हो. केस 2 इज दिस. केस टू इस, अब केस टू में ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये हो जाएगा फाइनल, राइट. क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस इंस्टेंट से 2 सेकंड पहले मतलब ये फाइनल है. 2 सेकंड पहले जो होगा वो इनिशियल और टाइम भी दिया और ये आपको पता है. तो इन दिस केस यू आपको फाइंड करना है. वी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको पता है 2 है, एच आपको पता है 2 है. तो you have to solve this. V equal to u plus at. तो u चाहिए तो u equal to v minus at. v कितना है 10, minus a 2 and t 2, 10 minus 4 6. तो it should be 6 meter per second, option number a. तो this is how you were supposed to solve this question. Next question. A body A starts from rest with an acceleration A1. Another body, after 2 seconds, another body B starts from rest with acceleration A2. If they travel equal distance in the 5th second after the start of A, the ratio of A1 is to A2 is. Yes, ye bhi solved hua hai. This is already we have done 9 is to 5. So ye bhi hamara hua hai. We will not repeat this. Next question. A body initially at rest is moving with uniform acceleration a. Its velocity after n seconds is v. The displacement of the body in last 2 seconds, not fast 2 seconds, it is last 2 seconds s. Okay. Ab there is a body jo initially rest pe tha, matlab u tha 0. It is moving with uniform acceleration a. Okay. Velocity after n seconds is v. मतलब v इक्वल टू u प्लस at. अगर आप अप्लाई करोगे तो v इक्वल टू 0 प्लस a इनटू n, क्योंकि t इज n. तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू an. तो आपको मिल गया a इक्वल टू v बाय n यहां से, या तो n इक्वल टू v बाय a. दोनों ही इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं. देखते हैं बाद में क्या लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड्स, आपको मैंने बताया था. इमेजिन कि अगर टोटल 10 सेकेंड्स का मोशन है, टोटल मान लो
ये टाइम लाइन है जीरो और ये है टेन, टोटल टेन सेकेंड्स का अगर मोशन है, मतलब टोटल एन सेकेंड्स का मोशन है ऐसा मान लो, लास्ट टू सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हो आप, बोलते हो टोटल टेन सेकेंड्स में, मतलब टोटल एन सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस एन माइनस टू में, मतलब टेन सेकेंड्स में कितना और एट सेकेंड में कितना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट टू सेकेंड। दस सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आठ सेकेंड में इतना ट्रेवल करेगा, तो आखिरी दो सेकेंड में कितना हो गया एस टेन माइनस एस एट, राइट एस एट, दिस इज व्हाट यू विल हैव, समझे यहां तक, एस टेन माइनस एस एट। मैंने टेन क्यों लिया समझने के लिए, टेन की जगह पे अगर उन्होंने बोला है एन, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज एन, तो मैं बोलूंगा टोटल एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस एन, और आखिरी के दो सेकेंड पूछे हैं तो एन में से दो माइनस करेंगे तो एस एन माइनस टू, राइट, तो एस एन माइनस टू विल गिव यू डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट टू सेकेंड्स। और रिमेम्बर ये एस एन, ये एस एन, ये यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वाला नहीं है, वो सफिक्स में जब आप n लिखते हो वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकेंड्स है माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n माइनस टू सेकेंड्स है। सिर्फ नोटेशन का प्रॉब्लम है तो मैं नोटेशन के प्रॉब्लम को भी कर देता हूं यहाँ पे सॉल्व। अगली बार से जब जब टोटल एक सेकेंड से ज्यादा टोटल आएगा तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा, तो समझ लेना ऊपर लिखना मतलब ये s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ओके, ओनली फॉर नॉट टू गेट कंफ्यूज आई विल नोट लाइक दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, हाउ विल यू डू दिस, ये आपको पूछा है s n कैसे निकालोगे, यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से u है जीरो हाफ a, a is b by n, b by n और this is n, n square, तो ये आ गया आपके पास v n by 2, v n by 2 ये आ गया total distance in n seconds, तो बाकी का distance n minus 2 में जो है वो कैसे करोगे, ut of course t is 0, u is 0 again, half a t square, तो u आपके पास है 0, A आपके पास है v by n, v by n और टाइम यहां पे आपके पास है कितना, हाँ n माइनस टू, तो हियर यू हैव टाइम एज n माइनस टू, जस्ट अ मिनट लेट मी मेक सम स्पेस, ओके गुड, तो यहां पे जो टाइम का कंस्ट्रेंट है आपके पास हियर, ये जो टाइम है दैट इज n माइनस टू का स्क्वायर, तो अब आपको फाइंड करना था एस एन माइनस टू, तो एस एन माइनस टू इक्वल टू दिस इज वी एन बाय टू, दिस इज वी एन बाय टू माइनस दिस इज वी बाय टू एन, एन माइनस टू का स्क्वायर, जो जो कॉमन निकलता है पहले निकाल लो, वी बाय टू कॉमन एन माइनस यहां पे है एन माइनस टू का स्क्वायर बाय एन, सिर्फ मैंने v by 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर, नीचे नीचे n है ठीक है ओके कोई बात नहीं, तो नीचे अगर n है जी, हियर यू हैव n n n n, तो n स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4, ये 2n आएगा कि 4n आएगा, 4n आएगा ओके अपॉन n, और भार क्या था v by 2, v by 2 भार था v by 2, उसको सॉल्व करो v by 2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4 अपॉन n, कैंसल कैंसल v by 2 4n माइनस 4 कॉमन n माइनस 1 by n, 1 था n 2 था, तो 2v by n, n minus 1, 2v by n, n minus 1,
ऑप्शन नंबर ए। नाउ जस्ट अ मिनट, दिस इज ऑल राइट, पर ये जो फॉर्मूला है आप ये जनरल फॉर्मूला भी बना के यूज कर सकते हो। अगर आपको V पता है, मतलब अगर आपको A पता है, A पता है तो V पता है। आपको बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट 2 seconds एंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 seconds, तो 9th और 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछा है। सो एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला यू कैन यूज इफ यू नो V, एंड V यू विल नो इफ यू नो A, एंड N की वैल्यू 10 डाल देना, करो सॉल्व, हो गया। So this can also be used as general formula. Next question. A girl standing on a stationary lift. हमने अभी तक moving lift का केस देखा ही नहीं है, वो laws of motion में होगा, Newton laws of motion में। तो lift is stationary, open from above. Lift is stationary and open from above. So the girl is standing in a stationary lift which is open from above. ठीक है, ऐसा कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। एनीवेज देन आगे बोला है थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। सो शी थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अभी ओपन फ्रॉम अबव क्यों बोला था, रूफ को नहीं लगना चाहिए, दैट्स व्हाई। सो इजी, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू अवर हैंड इज इफ जी इज 10। दो टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक है लेंथी मेथड, एक है शॉर्टकट। लेंथी मेथड में आप पहले देखोगे कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर देखोगे नीचे आने में कितना लगा। ऊपर जाने में जितना लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो, बोलो उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है, या तो टाइम ऑफ डिसेंट अलग से फाइंड करो और दोनों को एड कर दो। मेथड नंबर टू, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि बॉल वापस से उसके हाथ में आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो जीरो, एस इक्वल टू जीरो, राइट। तो दैट इज एस इक्वल टू जीरो। यू टी, यू कितना, 50 मीटर पर सेकेंड, टी तो फाइंड ही करना है, ओके। माइनस माइनस क्यू, क्योंकि इनिशियल केस देखना पड़ता है। आप बोलोगे बाद में नीचे भी आएगा, हाँ लेकिन पहले तो ऊपर गया ना, तो इनिशियल इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ए इक्वल टू माइनस जी, तो माइनस जी, A इक्वल टू माइनस जी, ये माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी 10, और टी स्क्वायर 1 and 5, तो यू विल हैव 0 इक्वल टू 50T - 5T² मतलब यू विल हैव 50T इक्वल टू 5T² 1 and 10, 1T गया, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड, तो 5 सेकेंड इज टाइम ऑफ एसेंट एंड 5 सेकेंड इज टाइम ऑफ डिसेंट, तो आ गया आपका आंसर 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी। अगर आपको ग्राफ्स याद है, अगर आपको पैराबोला के इक्वेशंस पता है, नहीं पता तो मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इक्वल टू जीरो मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद डिस्टेंस नॉट विद टाइम, नॉट विथ टाइम। अगर विथ टाइम होता तो अलग ये आएगा, ग्राफ आएगा, विथ डिस्टेंस अलग आएगा। तो डू यू रिमेम्बर वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS, तो यू जीरो है तो वी स्क्वेयर इक्वल टू 2AS, पैराबोला है, दैट्स इट, दिस इज पैराबोला। तो अगर आपको ये पता है कि ये पैराबोला ऐसा दिखता है तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं पता है तो फिर मैं पैराबोला की फैमिली वापस एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आपका परिचय करवा देता हूं वापस से। सो द थिंग इज, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, कि इक्वेशंस भूल के नहीं चलने वाला, टोटल 4 होते हैं पैराबोला। मैंने आपको बताया था कि 4 पैराबोला मतलब 4 इक्वेशन, और 4 इक्वेशन ऐसे आते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, y square equal to minus 4ax, x square equal to 4ay, और x square equal to minus 4ay, ये 4 होते हैं। और आपके पास यहाँ पे भी
एक पैराबोला आपको दिखता है समथिंग लाइक दिस। मैंने आपको बताया था कि काम करना इसको, और यह है दूसरा पैराबोला। मैंने आपको बताया था कि टोटल चार है, ये दो है, चार में से दो है, दो और बाकी है। ये एक्स दिखता है ना, राइट, एक्स रेस टू वन इज एक्स। इमेजिन कर लो, है नहीं, इमेजिन कर लो, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इमेजिन, क्योंकि चारों में से डिसाइड करना है कौन सा किसका इक्वेशन। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन ऐसे है जिसमें एक्स रेस टू वन है, करेक्ट। ये आपने इमेजिन कर लिया कि ये एक्स रेस टू वन है नहीं, इमेजिन किया। इसका मतलब इन दोनों में से ये दोनों इक्वेशन का, ये दोनों पैराबोला है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाला है वो इसका हो गया। सेकेंड एंड थर्ड में एक्स इज नेगेटिव, तो ये इसका हो गया, करेक्ट। अब क्योंकि एक्स रेस टू वन था, मैंने इसलिए बोला यहाँ पे वन लिखा, इमेजिन कर, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे हमने इमेजिन कर लिया। देन और दो होते हैं समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा सिमेट्रिक आना चाहिए, बट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ लेना आप, इमेजिन, ओके। अब एक ये और एक उसके नीचे, ये फैमिली ऑफ पैराबोलास है, राइट। बचे दो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इसका हो गया, और ये नीचे वाले ग्रीन का आ गया x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, करेक्ट, गुड। अब आपका जो केस है वो केस कैसा है पहले देख लो। आपके केस में इमेजिन, यू सी x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया आपने, v, तो सॉरी y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, v, तो यहाँ पे आएगा v, y की जगह पे v, और यहाँ पे आपका है x की जगह पे s, राइट, गुड। हाँ, s x क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। और इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू 2s, v की y की जगह पे क्या जाता है आपने, v, तो y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट 2a और s, राइट राइट, मतलब हमारे केस में ये x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कहाँ दिखता है, ब्लू लाइन, करेक्ट, ब्लू लाइन दिखता है, ओके। फिर ये ब्लू लाइन दिखता है तो फिर कौन सा आना चाहिए, सिंपल, क्योंकि देखो इसका कर्वेचर कैसा है, राइट, तो हमारे पास भी ये ऐसा ही आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दिस क्वेश्चन वाज मोर ऑफ मैथमेटिकल देन फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नथिंग टू सॉल्व हियर, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ओके। एंड दिस इज द थर्ड टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्स 20 मीटर 22 मीटर 24 मीटर इन 8th, 9th एंड 10th सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले जहां जहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हो नहीं सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, अगर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता, मतलब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर ऐसा होता तो 8th सेकेंड में, 9th सेकेंड में और 10th सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर करता, अलग अलग क्यों करता, ओके, दैट इज व्हाई, राइट। अब सिर्फ ये चेक करो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ कि नहीं, हाउ डू यू चेक इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कवर्स 20 मीटर इन 8th सेकेंड, 9th सेकेंड एंड 10th, तीनों में से जो आपको पसंद हो वो वैल्यू उठा लो, एनी वैल्यू कैन टेक, लेट अस से 8th सेकेंड। आपको याद है डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड इज u प्लस a बाय 2 टू n माइनस 1, गुड। अब s8 इज u प्लस a बाय 2 2 इंटू एन, मतलब 8 माइनस 1,
तो यू तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाँ इन करना है, वेरी गुड। एस इट इज 20 यू, ये आ गया आपके पास ए बाय टू, दिस इज 16 माइनस वन 15, तो 20 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 40 इक्वल टू टू यू प्लस 15 ए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 9 सेकेंड का एस 9 इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू, 2 इंटू 9 माइनस 1, एस 9 कितना है 22 यू, और ये ए बाय टू दिस इज 17 मल्टीप्लाई बाय 2 44 इक्वल टू 2u प्लस 17a, इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, पहले तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट 2u जाएगा, इसको 2 को 1 में से इक्वेशन 2 माइनस 1 44 में से 40 गया, 2u में से 2u गया, 17 में से 15 गया 2a, 17 से 15 गया 2a, तो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 मतलब एक्सेशन है, a जीरो होता तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते, राइट। आगे अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट 40 इक्वल टू 2u प्लस 15 इंटू 2 दैट इज 30, 40 माइनस 30 इज 10 इक्वल टू 2u, तो u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो द बॉडी वॉज नॉट एट रेस्ट, सो इट इज बेसिकली विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि डीएक्सेलरेशन है, ओके। फिर आप बोलते हो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू स्क्वायर माइनस 2as, फिर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो 2a कॉन्स्टेंट, तो s इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया, खत्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा हुआ है, a vehicle travels half the distance l with the speed v1 and half with speed v2, every velocity is 2v1 v2 upon v1 plus v2, ye humne derive kiya tha, so we will not repeat this again, simple question hai। agla question, the displacement, very 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 important, displacement not distance, abhi tak aap distance ki baat karte aaye ho, displacement of a particle is given by x equal to t minus 2 square, where x is in meter and t is in second. The distance covered by the particle, the distance covered, equation diya hai displacement ka aur pucha hai distance covered by the particle in the first 4 seconds. Okay, so question is important. Agar seedha seedha bolte ki distance of the particle is given by this equation, fir bolte distance covered in 4 seconds, to t ki value kya dalte aap, 4, 4 minus 2 is 2, 2 square is 4, option number A, गलत, इस केस में गलत, नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा बोला होता, the distance of the particle is given by this equation, फिर पूछा था distance covered, तो ठीक था, तो फिर डायरेक्टली आप t की वैल्यू क्या डालते, 4, 4 minus 2, 2, 2 square is 4, तब ठीक था, पर यहाँ पे दिया है displacement of the particle is given by, तो ये distance नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और आपको पूछा है कि 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो एक काम करो, t इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है वो देखो, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल का पोजीशन है 1 माइनस 2 1, राइट, करेक्ट, इज दिस क्लियर, यस। तो ऐसा नहीं करते क्योंकि पहले देखते हैं कि इनिशियली कहां पे था, मतलब t इक्वल टू 0 पे कहां पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना, कैसे मेजर करोगे,
तो t इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल पोजिशन, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, उसका स्क्वायर इज फोर। तो अभी ऐसा है, इमेजिन ये आपके पास ओरिजिन, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऐसा नंबर लाइन है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोर पे, फोर पे डिस्प्लेसमेंट इज फोर, ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब t इक्वल टू वन पे x1, वन माइनस टू मतलब माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन। तो इसका मतलब एक सेकेंड के बाद पार्टिकल कहां आ गया? वन पे। कितना डिस्टेंस कवर हुआ? थ्री मीटर। ये डिस्टेंस, मैं काम करता हूं डिस्टेंस कवर को, मैं लिख देता हूं। डिस्टेंस कवर के लिए हम अलग कलर यूज कर लेते हैं, तो समझेगा कि डिस्टेंस कवर है, बाकी सब व्हाइट में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो द वन इन द ब्लू इज डिस्टेंस कवर। अब t इक्वल टू टू के बाद x2, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? टू माइनस टू मतलब जीरो मीटर, मतलब अब कहां पे आ गया? जीरो पे। कितना डिस्टेंस कवर हुआ? वन मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? वन मीटर। ओके, अब आगे, अब इसके आगे t इक्वल टू थ्री पे, t इक्वल टू थ्री पे आपके पास x3 क्या आएगा? क्या आएगा? थ्री माइनस टू का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, दैट इज वन, राइट? मतलब कहां आ गया वापस से? वन पे। अभी ये आ गया आपके पास वन पे, तो कितना कवर किया? वन मीटर, करेक्ट। अब t इक्वल टू फोर पे x4 कितना है? फोर माइनस टू स्क्वायर, दैट इज फोर, दैट इज फोर, टू स्क्वायर इज फोर। तो अब वो एक से कहां पे आ गया? चार पे, चार पे। कितना डिस्टेंस कवर किया? थ्री। तो अब आखिरी केस में डिस्टेंस कवर किया तीन मीटर, तो टोटल डिस्टेंस एट मीटर। टोटल डिस्टेंस इज तीन मीटर, फिर एक मीटर, फिर एक मीटर, और फिर तीन मीटर, तो आ गया एट मीटर, एट मीटर, सॉरी दैट इज एट मीटर। तो दिस इज एट। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम and 5 meter per second for other half of the time. The average speed during the motion is. अभी ऐसा है कि आपके पास, मान लो कि बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस कवर करेगी s. So let's say the body will cover total distance of s. और इस s में से one third, तो a से b जा रहा है मान लो, उसका one third, this is one third मतलब s by थ्री, टोटल डिस्टेंस कितना माना मैंने? एस। तो एस बाय थ्री कवर किया थ्री मीटर पर सेकेंड से, तो एस वन इज एस बाय थ्री और वी वन इज थ्री मीटर पर सेकेंड। अब अगले मतलब कितना बचा? टू एस बाय थ्री है ना, एस बाय थ्री प्लस टू एस बाय थ्री दस। तो सी से भी कितना डिस्टेंस है? टू एस बाय थ्री बराबर, वन थर्ड अगर गया तो टू थर्ड बचेगा ना, तो टू थर्ड। अब इस टू थर्ड में बोला है कि इस टू थर्ड को पहले हाफ ऑफ द टाइम के लिए, पहले हाफ ऑफ द टाइम के लिए समझ लो। अब इसका मतलब ये है कि टी टू टाइम के लिए और टी थ्री और टी टू इक्वल है, क्योंकि पहले हाफ टाइम फिर अगला हाफ टाइम, मतलब टी टू एंड टी थ्री आर इक्वल। तो पहले हाफ टाइम के लिए कितना स्पीड था? चार। फिर कितना था? पांच, राइट? ओके,
इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो से ज्यादा मेथड हो सकते हैं आप। क्यों? पहले आपको बताया था मैंने, जब टाइम के इक्वल हाफ हो तो एवरेज इज डायरेक्टली वी वन प्लस वी टू बाय टू। अगर टाइम के इक्वल हाफ हो तो एवरेज इज वी वन प्लस वी टू बाय टू। याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि जो केस नंबर सेकेंड है उसमें आप डायरेक्टली एवरेज ले सकते हो फॉर फॉर रिमेनिंग कितना, फॉर रिमेनिंग 2s/3 डिस्टेंस, 2s/3 डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट v1 + v2/2, दैट इज हाउ मच, 4 + 5 मतलब 9/2। यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता दिया, जब जब टाइम इंटरवल इक्वल हो तब तब डायरेक्ट एवरेज होता है v1 + v2/2, करेक्ट। तो इसमें आपको पता लग गया कि ये 9/2 है, मतलब कितना, 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बात बताओ, टोटल एवरेज निकालना होगा, ये तो सेकेंड और थर्ड पार्ट के एवरेज है, ओके। अगर आपको वी एवरेज टोटल निकालना होगा, टोटल, तो टोटल के क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस करते हो अपॉन टोटल टाइम करते हो, अपॉन टोटल टाइम करते हो, वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस तो मैंने ही माना ना ऐसे, यस। टोटल टाइम मतलब ये टाइम T1, और यहां पे ये जो आपका टोटल टाइम आएगा इस केस से, एक काम करता हूं, इसको मैं टाइम के लिए भी टी एवरेज नाम देता हूं, हमारे कन्वीनियंस के लिए। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है तो टी बोल, क्या फर्क पड़ता है। तो बाय द वे, अगर मुझे T1 मिल गया और T मिल गया तो टोटल टाइम मिल गया, तो T1 और T मिल गया टोटल टाइम मिल जाएगा। बट T कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज स्पीड फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड कितना 4.5, डिस्टेंस कितना 2s/3। अरे मैं सी से बी की बात कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस है 2s/3, अच्छा, और टाइम हमने कितना माना है टी, ओके। देन दिस टी इज इक्वल टू 2s/3 × 4.5, व्हाट इज 3 × 4.5, 13.5। तो 13.5 आपके पास है, ये s अपॉन, दिस इज 13. मतलब 2s/13.5, दिस इज 2s/13.5। T1 कैसे फाइंड करोगे, सेम, T इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है पहले s/3, स्पीड कितना है 3, कितना आया s/9, करेक्ट, क्लियर। अब तो इनफैक्ट ज्यादा एडवांटेज होता कि इसको 4.5 लिखो ही ना, क्योंकि इसको अगर आप 4.5 नहीं लिखोगे, 9/2 रखोगे, तो आपका काम ज्यादा आसान होगा यहाँ पे। इफ यू डू नॉट राइट 4.5, मतलब इफ यू जस्ट राइट 9/2, 9/2 ऐसा अगर लिखा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे आएगा T=4s/27, मतलब 9 × 3 T 27 27, बस T तो हमने सरका लिया वहां पे, T हमने उस साइड पे ले लिया, तो 4s/27। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता 4s/27, अब देखो कि आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, s/9 यहाँ बचेगा 1, यहां से मतलब 4/3, SS कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू 1 + 4/3 = 7/3, और ये 9 ऊपर जाएगा 9/7/3, ये 3 भी ऊपर जाएगा 27/7, 27/7 3.8, क्योंकि 28/7 इज 4, तो 3.8। अब आंसर यही आना चाहिए, एक मिनट, आंसर की
अब मेथड कोई भी यूज किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसका और एक मेथड भी है, थोड़ा लेंदी है, उसमें क्या करेंगे बताता हूँ। वो बोलेंगे ये 4 मीटर पर सेकंड जो था ये T2 टाइम के लिए था, 5 मीटर जो था वो T3 टाइम के लिए था, करेक्ट। फिर कुछ तो सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट आंसर। बट लॉजिकली स्पीकिंग आपको इस क्वेश्चन को ऐसा देखना है कि टोटल डिस्टेंस में से 1/3 s/3 ये 3 मीटर पर सेकंड, टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, निकाल लो कितना आया आपका टाइम s/9। बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो पहले हाफ टाइम में 4 मीटर, अगले हाफ टाइम में 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। जब टाइम के इक्वल इंटरवल होते हैं तो एवरेज में डायरेक्टली v1 + v2/2, जब डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल होते हैं तो 2v1v2/v1+v2, वो हमने ऑलरेडी करके रखा है और आज हमने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। तो इतना अगर पता है तो आप बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो रिमेनिंग 2s/3 डिस्टेंस था उसमें जो एवरेज स्पीड था दैट इज v1 + v2/2 मतलब 9/2, राइट। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा विच इज 4s/27, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने टाइम कितना मान के रखा है टी, राइट। स्पीड कितना है एवरेज 9/2, डिस्टेंस कितना है 2s/3, तो टाइम कितना है 4s/27। टोटल एवरेज इज टोटल डिस्टेंस विच इज एस अपॉन टोटल टाइम विच इज T1 + T, T1 है s/9 और T है 4s/27। सॉल्व करो 27/7 3.8। तो ऐसा भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।